निधीज मैजिक किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंडो चाइनीज़ वेज स्टार्टर, जिसे हर किसी ने एक बार ज़रूर खाया होगा। मैं बात कर रही हूँ चिली पनीर की। चिली पनीर के दो वर्जन होते हैं, एक ड्राई होता है और एक ग्रेवी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ड्राई वर्जन ऑफ चिली पनीर, जिसे एज अ स्टार्टर सर्व किया जाता है। और साथ में शेयर करूंगी कुछ टिप्स कि आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना है इस रेसिपी को बनाते वक्त, ताकि आप एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल आप इजीली अपने घर में बना सकें। ड्राई चिली पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल में 3 टेबलस्पून मैदा डालेंगे। एकदम क्रिस्पी चिली पनीर बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको रेशियो का ध्यान रखना है कि हमने कितना मैदा लिया है और कितना हमने इसमें कॉर्नस्टार्च यूज़ किया है। 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च, 1/2 टेबलस्पून हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट आप जो डाल रहे हैं ये मैदा और कॉर्नस्टार्च के हिसाब से ही इसमें ऐड करें। और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड करेंगे ताकि एक अच्छा सा कलर आ सके, बाकी आप इसके बिना भी बना सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी ऐड करना है, बहुत ज़्यादा एक बारी में नहीं डालना है। ये सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है कि बैटर की जो कंसिस्टेंसी है बहुत ज़्यादा फ्लोई नहीं होनी चाहिए। एक हमें थिक बैटर बनाना है, थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए ताकि पनीर के ऊपर अच्छे से कोटिंग आ सके। अब इसमें पनीर ऐड करेंगे, 200 ग्राम पनीर है जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। आप इसे अच्छे से मिक्स करें ताकि हर एक पनीर के पीस के ऊपर जो भी हमने मैरिनेशन बनाई है उसकी एक अच्छी सी कोटिंग आ जाए। और बेटर है कि आप हल्के हाथ से इसे स्पून से मिक्स करें। हाथ से जब हम मिक्स करते हैं कितनी बार जल्दीबाजी में जो पनीर के पीसेस हैं वो टूट जाते हैं। मैरिनेशन बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए। आप देख सकते हैं पनीर का पीस बिल्कुल भी कहीं से वाइट नहीं दिख रहा है। अब इसे फ्राई करने के लिए हम ऑयल को गर्म करेंगे। ऑयल ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। ऑयल का टेम्परेचर चेक करने के लिए आप थोड़ी सी मैरिनेशन डालकर भी चेक कर सकते हैं। जैसे ही मैरिनेशन ऑयल में फ्लोट करने लग जाएगी तो यानी आपका ऑयल एकदम रेडी है पनीर फ्राई करने के लिए। पैन में ऐड करने से पहले आप हर एक पनीर को दोबारा से मसाले में कोट करें और फिर इसमें ऐड करें। पनीर की साइड आपको बहुत जल्दी नहीं टर्न करनी है, पनीर थोड़ा सा पक जाए उसके बाद ही आप इसकी साइड चेंज करें। आप अगर पनीर को जल्दी से पलट देंगे तो उसकी जो कोटिंग है वो सारी ऑयल में आ जाएगी। और गैस की फ्लेम एकदम मीडियम रखें। लो रखेंगे तो पनीर के अंदर सारा ऑयल भर जाएगा, हाई रखेंगे तो पनीर जल जाएगा, मीडियम रहेगी तो प्रॉपर तरीके से पकेगा। पनीर फ्राई हो चुका है, हम इसे निकाल लेंगे और इसे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसे दोबारा से फ्राई करेंगे। और दोबारा ऐड करने से पहले आप ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लें फिर इसमें ऐड करें। आप पनीर का कलर चेक करिए कितना अच्छा आया है और कोटिंग भी प्रॉपर तरीके से हुई है और मैरिनेशन बिल्कुल सही बनी थी कि बहुत पतली नहीं थी, जिसके वजह से हमारा ऑयल भी ख़राब नहीं हुआ है। अब कढ़ाई में 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे, ये सेम ऑयल है जिसमें मैंने पनीर फ्राई किया था। अब इसमें 1 टेबलस्पून चॉप्ड जिंजर गार्लिक ऐड करेंगे, 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च जिसको मैंने ट्राइंगल शेप में कट किया है, 2 बड़े साइज़ की प्याज। शिमला मिर्च और प्याज को मैंने सेम साइज़ में काटा है। और जितनी भी इंडो चाइनीज़ रेसिपीज़ होती है उसे हाई फ्लेम पर स्टर फ्राई किया जाता है, तो आप इसे हाई फ्लेम पर ही पकाएं। अब इसमें थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अगर आपके पास काली मिर्च पाउडर नहीं है तो आप इसके जगह वाइट पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस, आप रेड चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं,
दो टेबलस्पून सोया सॉस, और ट्राई कीजिए कि थोड़ा डार्क सोया सॉस जो आता है मार्केट में आप वो ऐड करें, उससे कलर काफ़ी अच्छा आता है। नहीं तो आपके पास जो नॉर्मल वाला सोया सॉस है आप वो भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून सेजवान चटनी, इसे आप ज़रूर डालें, इससे चिली पनीर का टेस्ट एनहांस हो जाता है, थोड़ा स्पाइसी भी बनता है। और अगर आप ये डालते हैं तो आपको स्टार्टिंग में जो अदरक लहसुन हमने चॉप करके डाले हैं वो भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1 हरी मिर्च फाइनली चॉप करी हुई। अगर आप ये रेसिपी बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें हरी मिर्च ना डालें, इसके जगह आप टमाटो केचप 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं, क्योंकि जो हम इसमें सेजवान चटनी ऐड कर रहे हैं उससे काफ़ी तीखा हो जाता है, तो मिर्ची डालना आप अवॉइड करें। सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसे हमें थोड़ा क्रंची रखना है। 1/2 टीस्पून अजीनोमोटो, मोस्टली चाइनीज़ क्यूजींस में चाइनीज़ सॉल्ट डाला जाता है, बाकी आप इसके बिना भी बना सकते हैं, एज सच कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है टेस्ट में। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून अरारोट यानी कि कॉर्नस्टार्च ऐड करेंगे पानी में मिक्स करके। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून पानी ऐड किया है। अब इसमें पनीर ऐड करें और मिक्स करने के बाद गैस को बंद कर दें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब आप ये रेसिपी को बना रहे हैं तो सारी सॉसेस को जितना मैंने मेजरमेंट बताया है आप उसको मेजर करके एक बोल में निकाल के रख लें। अगर आप धीरे धीरे सॉसेस ऐड करेंगे तो सब्जियां सारी सॉफ्ट हो जाएंगी और चिली पनीर में थोड़ी क्रंची वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं। अब एकदम लास्ट में हम थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसमें हम सेसमे सीड डालेंगे। चिली पनीर रेडी है और बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा रेस्टोरेंट्स में मिलता है। सब्जियां भी बहुत क्रंची है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हुई है। इसे हम डिश आउट कर लेंगे और थोड़े से स्प्रिंग अनियन और सेसमे सीड से गार्निश करेंगे। तो कैसी लगी रेसिपी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जब भी आपको टाइम मिले आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय एंड टेक केयर।